अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि जी आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके खानों में रंगत दे, जायका दे। आज एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी गाजर की खीर, या गाजर का जिसे हम गजरेला भी कहते हैं। उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, गाजरें हम एक बड़ा बाउल बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने ये गाजरें ले ली हैं। तकरीबन 4 बड़ी गाजरें थी जिनको मैंने धो के अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया है। साथ मेरे पास ये इवेपोरेटेड मिल्क पड़ा हुआ है। अगर आपके पास ये इवेपोरेटेड मिल्क दस्तयाब नहीं है तो आप इसमें थिक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी मैंने एक बाउल से थोड़ी सी कम ली है, लेकिन चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है जी हाफ बाउल जो था चावलों का मैंने भिगो के रखा हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इनकी हम बना लेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा पीस लूँगी मैं, पानी निकाल के इसको पीस लूँगी। काजू और बादाम इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें, वो बाद में हम इसको चॉप कर लेंगे। इलायची है, इसे 3 से 4 दाने हम लेंगे। और 1 लीटर जो है मेरे पास ये दूध है। तो चलें जी फटाफट स्टार्ट करते हैं। बर्तन को रख लिया जी चूल्हे पे। अब इसमें बिस्मिल्लाह दूध शामिल कर देती हूँ मैं, जो 1 लीटर आपको दिखाया था। चल जी दूध हो गया जी इसमें शामिल। अब हम इसके थोड़े से बॉयल आने तक का वेट करते हैं। दूध को तकरीबन देखें बॉयल आ चुके हैं, ये देखें हल्का हल्का बबल्स बनने लग गए हैं। अब मैं यहाँ पर जो आपको इलायचियाँ दिखाई थी, 3 अदद इलायचियाँ इसमें डाल दूँगी। और जो चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे उसकी मैंने पेस्ट बना ली है, यानी कि उसको रफली चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बास लोग चावल इसमें नहीं डालते, लेकिन आप यकीन कीजिए ये जो चावलों के साथ आप मिला के इसको बनाते हैं ना, इसका एक अपना ही टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, साथ साथ आपने हल्की हल्के चम्मच चलाते रहना, ताकि जो चावल है ना वो नीचे बेस में नहीं लगे। जब वो आप देखेंगे ना कि दाने दाने ज़रा फूल गए हैं इसमें, यानी कि दूध में पक गए हैं, तो फिर इतना ख़तरा या टेंशन नहीं होती। लेकिन अभी जो है हम इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, और इसको हमने मीडियम आंच पे पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी, ठीक है। ये तकरीबन 3 मिनट के लिए, हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे इस तरह से, फिर अगला स्टेप बताते हैं। पकते हुए तकरीबन से 3 से 4 मिनट हो गए हैं, खुशबू भी हल्की हल्की जिस तरह खीर की आती है वैसे आने शुरू हो गई है। ये देखें ज़बरदस्त सा हो गया। अब मैं इसमें जो हमने गाजरें आपको दिखाई थी, एक बाउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल कर देंगे। और इसको हम अब तब तक पकाएंगे कि गाजरें जो है ना वो बिल्कुल इसमें सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि दूध कम है, तो आप इसमें मज़ीद हाफ लीटर जो है दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे लगा तो मैं इसमें और दूध शामिल कर दूंगी। और साथ ही मैं इसमें जो चीनी दिखाई थी आपको, बिस्मिल्लाह वो डाल दूँगी। चीनी मैंने रोक दी है थोड़ी सी, मुझे लगा और की ज़रूरत हो तो मैं डालूँगी, अदरवाइज़ जो 1 प्याली से थोड़ी कम जो है, 3/4 उतना काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप पूरी 1 प्याली भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो आपको मिल्क दिखाया था, इवेपोरेटेड मिल्क जो दिखाया था, वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इवेपोरेटेड मिल्क से क्या होगा, बिल्कुल ना कलर बड़ा अच्छा आएगा, और इसका जायका जो टेस्ट है ये बड़ा अच्छा डिवेलप होता है, ऐसे जैसे खोए में कोई चीज़ बनी हुई है, आप फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी अब इसको इसका पकने तक का वेट करते हैं, ताकि ये थिक हो जाए और गाजरें और जो चावल जो हमने इसमें डाले हैं वो सॉफ्ट हो जाए।
ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना थिक हो गया। इससे पहले ही थोड़ा सा थिक हो चुका था, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप छोटे वाला जो था ना वो दूध शामिल कर दिया था, यानी कि 1.25 लीटर आप कह लें कि मैंने इसमें दूध डाला था, 1 लीटर पहले जो आपको दिखाया था, और 1 कप जो है वो मैंने बाद में डाला। तो अब देखें माशाल्लाह चावल भी मुझे फील हुए हैं, मैंने भी देखा इसमें चावल भी हम लोगों के पक चुके हैं और गाजरें भी ऑलमोस्ट डन हैं, लेकिन हमने मज़ीद इसको हल्की आँच पे आहिस्ता आहिस्ता अभी और पकाना है। साइडों से ये हल्का हल्का आप उतारते रहें इस तरह से, ये देखें ये इस तरह से, बस ध्यान रहे इस कंडीशन में आप थोड़ा इसको नीचे लगने नहीं देंगे, ठीक है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है, ये अभी थोड़ा मज़ीद पकेगा अपने हाथों को बचा के, क्योंकि ये जब उठता है ना, जैसे ये उठ रहा है बबल्स की सूरत में, तो ये आपके हाथ पे भी लग सकता है और बड़ी शदीद किस्म का दर्द होता है। तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा गहरा करते हैं, थिक करते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, इनके फुल फ्लेम नहीं है इसका, मीडियम टू लो पे कुक कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। चलिए मिलती हूँ जी 5 मिनट के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी कितना थिक हो गया, ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त थिक हो गया इस तरह से, ये देखें। फ्लेम मैं कर देती हूँ जी बंद, इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। जी जनाब जी, इसको तो मैं कर चुकी हूँ डिश आउट, अभी थोड़ा वैसे गर्म है, लेकिन जब ये ठंडा होता है ना तो इसके ऊपर जो लेयर आती है वो बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसको मैं गार्निश करूँगी इसके साथ, आप चाहें तो ये जो चॉप दिखाए थे काजू और बादाम, ठीक है जी। ज़्यादा सारा डालना तो ज़्यादा सारा डाल लें, ज़बरदस्त हो गया। और आप चाहें तो ये जो इसके इसके भी इनके भी दो दो पीस करके इस तरह डाल सकते हैं। उम्मीद है कि जी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो इसको थम्सअप कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।